नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो है आपको 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से संबंधित होंगे और 40 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के होंगे। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। अब देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य होगा। ऑप्शन देखेंगे, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला, इसमें कौन सा वाक्य होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, इसमें जो है मिश्र वाक्य इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार? तो दोस्तों, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? ऑप्शन है निग्रह, विग्रह, अनुग्रह या अवग्रह। तो आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह। अनुग्रह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, मुहावरा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, वस्तु का सही स्थान पर न होना, भेद न लगने देना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना या अप्राकृतिक व्यवहार होना। तो सही आंसर क्या होगा? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। ऑप्शन देख लीजिए, बुरा से बुरा आदमी, ऑप्शन बी है भी सम्मान, ऑप्शन सी है चाहता है या ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरा से बुरा आदमी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुरा सा बुरा आदमी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए बोराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अलंकार, आपको जो है ठीक से पढ़ लेना है। ऑप्शन ऑप्शन देख लेंगे, यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, यमक अलंकार के बारे में थोड़ा जान लेंगे। यमक अलंकार होता क्या है? तो जब दोस्तों एक ही शब्द की जो आवृत्ति होती है और उसका जो है अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, याद रखेंगे। जब एक ही शब्द की आवृत्ति जो है भिन्न अर्थों में होती है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है। तो महत्वपूर्ण तो प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, जायसी, मीरा, रसखान या कबीर। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तो प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधुनातन का विलोम शब्द होगा पुरातन, याद रखेंगे ऑप्शन डी, पुरातन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ईमेल जो है किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आएगा? तो आंसर होगा आधुनिक दृश्य माध्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक दृश्य माध्यम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होंगे? वर्ग के पंचमाक्षर जो है क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो आंसर होगा वर्ग के पंचमाक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या होगा? ऑप्शन होंगे क्रिया, अव्यय, विशेषण या भाववाचक संज्ञा। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलस्य शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन है अलस, आलस, आलसीपन या आलसी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी आलसी। याद रखेंगे ऑप्शन डी आलसी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है पुरोहित में उपसर्ग है। तो दोस्तों पुरोहित में उपसर्ग क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पत्नी, दुर्गा, पार्वती या दासी। तो दोस्तों सांभवी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होगा? ऑप्शन बी दुर्गा। दुर्गा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा आंसर? वैशिष्ट्य। तो यहाँ पर हमें जो है सही आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशिष्ट्य। याद रखेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो दोस्तों मक्षिका जो है मक्खी, मच्छर, मिट्टी या मछली, इनमें से जो है मक्षिका का जो तत्सम शब्द वो कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए मक्खी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हथियाना में कौन सी क्रिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में जो क्रिया है वो कौन सी होगी? आंसर हो जाएगा नाम धातु। याद रखेंगे नाम धातु क्रिया जो है हथियाना में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में त्र वर्ण की यदि बात की जाए तो ये किसके बाद आएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है औलाद शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों औलाद शब्द किस भाषा का होगा? ऑप्शन देख लीजिए अरबी, पुर्तगाली, उर्दू या फारसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। याद रखेंगे औलाद जो है अरबी शब्द है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य किसकी कृति है? तो दोस्तों महाभाष्य किसकी कृति है? उलूक, कपिल, पतंजलि या गौतम। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। पतंजलि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 9 जनवरी। याद रखेंगे ऑप्शन बी 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से जो है कौन सी है? तो दोस्तों बताना है यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी नदी है चौड़ी व बहाव की दृष्टि से तो कौन सी होगी? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमेजॉन। याद रखेंगे अमेजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो है सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे बोरलॉग पुरस्कार कृषि, ऑप्शन बी है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, ऑप्शन सी है पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति और ऑप्शन डी है डेविड कोहिन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलित्जर पुरस्कार जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होगा, ये राष्ट्रीय फूल होगा। तो यूके का जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों वो है गुलाब का फूल। ऑप्शन सी गुलाब का फूल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा की यदि बात की जाए तो ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो याद रखेंगे जर्मनी और पोलैंड यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है वो कहाँ से लिए गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है मूलभूत अधिकार लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महत्वपूर्ण तो प्रश्न है दोस्तों। तो महाभियोग जो है किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद
61 यानी कि आर्टिकल 61 के तहत जो है दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो दोस्तों संसद की जो कार्यवाही सूची है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रश्नकाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका कौन सी होगी? मंत्रिपरिषद, राज्य का मुखिया, न्यायपालिका या विधान परिषद। तो आंसर होगा मंत्रिपरिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में योजना अवकाश कब था? तो आंसर हो जाएगा 1966 के सूखे के पश्चात, यानी कि ऑप्शन ए, 1966 के सूखे के पश्चात इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो दोस्तों भारत द्वारा जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम पदार्थ। याद रखेंगे पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश की यदि बात की जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, यानी कि हमारे देश भारत में जो है स्वर्ण की सबसे ज़्यादा खपत होती है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो दोस्तों हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन देखेंगे, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप। तो दोस्तों अमेजन नदी कहाँ पर बहती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतवर्ष का जो प्रथम हाइड्रो पावर है वो कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा शैवालों का। याद रखेंगे ऑप्शन बी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, धान, सरसों, मूंगफली या बाजरा। तो दोस्तों टीका रोग जो है किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन सी, मूंगफली इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो है भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 33.3% होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, विषाणुओं से, कवकों से, आवृत बीजियों से या जीवाणुओं से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणुओं से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। याद रखेंगे आंसर क्या होगा? 180 डिग्री इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? क्वेश्चन को समझेंगे कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहभूकंप रेखा। याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, सहभूकंप रेखा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हमें यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट कोटोपैक्सी। आंसर क्या होगा? माउंट कोटोपैक्सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन देखेंगे, मंगल, शुक्र, शनि या सूर्य। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो दोस्तों डायमंड रिंग की घटना कहाँ पर होती है या कब होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन डी, सूर्य ग्रहण के दिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो दोस्तों गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी, बांगर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि भील जनजाति जो है किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो दोस्तों सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है भारत का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक की यदि बात की जाए तो ये जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी, गोदावरी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई थी? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1939 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों 1857 का जो बरेली विद्रोह का नेता है वो कौन था? तो आंसर होगा खान बहादुर, यानी कि ऑप्शन सी, खान बहादुर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 1907 में जो कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा जो है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो दोस्तों किस धर्म सुधारक की जो मृत्यु है वो भारत के बाहर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक है दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल, याद रखेंगे, ऑप्शन बी, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था? तो दोस्तों शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो आंसर हो जाएगा भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। आंसर क्या हो जाएगा? भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कब बना था? 1976 में, याद रखेंगे, ऑप्शन ए, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, निकिता की माँ के भाई का जो बेटा है वो सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध होगा? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, मौसी, माँ, ममेरा भाई या नानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममेरा भाई।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो सन 2015 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी 2015 को जो है उत्तराखंड राज्य में पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है? क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो महत्वपूर्ण तो प्रश्न है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा इसका? भोटिया जनजाति द्वारा की जाती है। याद रखेंगे कि भोटिया जनजाति द्वारा जो है घबला देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई है? तो दोस्तों कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर होगा 7756, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 7756। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है? तो दोस्तों अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? कुणिंद राजवंश से, ऑप्शन बी कुणिंद राजवंश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है उत्तराखंड का वो हो जाएगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरथी जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों बिरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जिले में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे, अल्पाइन, कोणधारी, उष्ण सदाबहार या शीतोष्ण पतझड़। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण सदाबहार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उष्ण सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलेठी सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, गोपेश्वर, उकीमठ, रानीखेत या हिंडोला खाल। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंडोला खाल, हिंडोला खाल में जो है पलेठी सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मॉम संग्रहालय स्थित है? तो देवभूमि मॉम संग्रहालय यहाँ पर बताना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। याद रखेंगे देहरादून इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? महत्वपूर्ण तो प्रश्न है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड, उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर देखेंगे, देवी धुरा उत्सव या कांवड़ यात्रा या कांवड़ी महोत्सव या फूल देई उत्सव। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी धुरा उत्सव। याद रखेंगे देवी धुरा उत्सव यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तरुण कुमाऊ, तरुण कुमाऊ का जो है इन्होंने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939। कब हुई थी? 23 जनवरी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो दोस्तों कत्यूरी काल में जो है प्रभावतार कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन डी भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। कौन था? ऑप्शन डी हो जाएगा भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। क्वेश्चन 76 है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों कालू मेहरा का संबंध है चंपावत जनपद से, ऑप्शन बी चंपावत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा जो है फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांगलेस प्रशस्ति की
प्राप्त हुई? तो दोस्तों छांगलेस की जो प्रशस्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन देखेंगे, तालेश्वर से, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों छांगलेस की जो प्रशस्ति है वो लाखामंडल से प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन बी लाखामंडल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो लागू हुई थी सन 1874 में, याद रखेंगे सन 1874 में। अगला प्रश्न है, हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है? तो दोस्तों हिमज्योति फाउंडेशन की यदि बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है वो है मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा, याद रखेंगे ऑप्शन ए मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? तो दोस्तों लाल कुर्ती बाजार महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रानीखेत, रानीखेत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी चारागाह है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा बुग्याल के नाम से, ऑप्शन सी बुग्याल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है? सेलाकुई में स्थित है, तो ऑप्शन बी सेलाकुई। अगला प्रश्न है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? तो दोस्तों केदारखंड में जो है गोपेश्वर का नाम गो स्थल वर्णित है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए गो स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? तो दोस्तों ऐपण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखेंगे भित्ति चित्रण से या धरातल चित्रण से, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि भित्ति चित्रण तथा धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता है? तो दोस्तों कुमाऊं में जो है राजकर के अतिरिक्त जो सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला जो कर होता है वो कौन सा कर होता है? वो होता है दस्तूर कर, ऑप्शन सी दस्तूर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा बलभद्र शाह, ऑप्शन सी बलभद्र शाह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन है वो हुआ था 1815 में, याद रखेंगे 1815 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा यशोधर मठपाल, याद रखेंगे यशोधर मठपाल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो दोस्तों राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे देहरादून, अल्मोड़ा, लालकुआं या हरिद्वार, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लालकुआं, याद रखेंगे ऑप्शन सी लालकुआं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक का सूची दो से मिलान करें, सुमेलित कूट में से सही उत्तर चुने, परियोजना दे रखी है और इसके साथ साथ नदियां दे रखी है। तो दोस्तों इसको देखेंगे, खटीमा किससे संबंधित है? खटीमा, चीला, छिबरो या डालीपुर, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए खटीमा का संबंध है शारदा नदी से, ठीक है, और चीला का हो गया आपका गंगा नदी से, चीला जो परियोजना वो गंगा नदी पर स्थित है, और छिबरो परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? टोंस नदी पर है, ठीक है, और लास्ट में जो डालीपुर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? ये हो जाएगी आपके यमुना नदी पर स्थित। तो इसके अनुसार जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण प्रश्न है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा मुख्य सीमांत भ्रंश छेप, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 को
अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों मार्च 2016 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया गया था पिथौरागढ़ में। याद रखेंगे ऑप्शन डी पिथौरागढ़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर यह मेला होता है। तो दोस्तों कांसीपुर में जो बाल सुंदरी देवी मंदिर पर जो मेला है वो कौन सा मेला होता है? तो आंसर हो जाएगा चैती मेला, ऑप्शन सी चैती मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तुजूक ई जहांगीरी में। याद रखेंगे ऑप्शन बी तुजूक ई जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो हरिदत्त कापड़ी है उनका संबंध बास्केटबॉल से है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 1,86,292। याद रखेंगे ऑप्शन सी 1,86,292। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष है वो थे आर के धर। याद रखेंगे ऑप्शन ए आर के धर जो है उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचाचुली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पंचाचुली शिखर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 6,904 मीटर। याद रखेंगे 6,904 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पाटलिदून कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है पाटलिदून स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, और आपके 100 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न जो है सही थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।